दोस्तों, हम बस के सफ़र के बाद पहुंच गए थे दिल्ली, और दिल्ली में 2 ढाई घंटे आराम बिताने के बाद इसको आराम तो नहीं कहेंगे। हमारा अगला सफ़र है पटियाला का, जो कि एक नया व्लॉग बनेगा, बिकॉज़ वहाँ का होटल हमने अच्छा बुक किया है। तो बस यही बताने के लिए मैंने पटियाला के व्लॉग की स्टार्टिंग वाले कपड़े पहन के आपको देहरादून की व्लॉग का क्लोजिंग दे दिया है मैंने आपको। अपडेट ये है कि हम पटियाला जा रहे हैं। ये रवि खुराना जी वहाँ लेट रहे हैं, वो लेट रहे स्पाइसी एक तरीका लेट रहे हैं। हमने अम्बाला पे हमारी ट्रेन रुकी है, छोले भटूरे और राजमा चावल मंगाए, आए नहीं अभी तक। पैसे दे दिए थे हमने, 5 मिनट की ट्रेन रुकेगी ना आए तो फिर कैसे करना है? बताओ कोई, क्या इस पे प्रतिक्रिया है आप लोग? दिस गाय वॉज वॉचिंग नेटफ्लिक्स फ्रॉम माई अकाउंट। कोई पासवर्ड नहीं मांगेंगे नीचे कमेंट, प्लीज़ पासवर्ड मांगो। यूज़र आई डी दूंगा नहीं, या यूज़र आई डी दे दूंगा, पासवर्ड नहीं दूंगा, बताओ आप कर लो। दिस गाय इज स्लीपिंग लाइक दिस, ये क्या स्पाइसी। अच्छे घर के लड़के तो नहीं सोते ऐसे। अम्बाला आ गया, 45 मिनट्स टू गो टू पटियाला। फिर मतलब पटियाला में शो है दोस्तों, तो बस ये काम था। दोस्तों मोहन कोच यार्ड में लिया है रूम, और हम पहले मोहन में थे, कॉन्टिनेंटल था, अब कोच यार्ड की तरफ जा रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि कोच यार्ड कहाँ है, कहीं छुप के तो नहीं आएगा। ये देखिए कोच यार्ड में हमारा एंट्री होते हुए। ज़्यादा शोर शराबा ना हो, बंदा यहीं शो कर ले। दुआ जैसा घर है। खुराना मैरिड मैन विद वन किड, यहाँ बैठे हैं एक सेकेंड। ये रवि खुराना मैरिड मैन विद वन किड, यहाँ बैठे हैं। मैरिड मैन विद वन किड, हाँ तो यहाँ बैठे हैं। और ये टून टून रिश्तेदार आ गए दोस्तों हमारे। ये हम दोनों नविवाहित जोड़ा है, हमारा रिश्तेदार आए एकदम से। तो मैं अभी गंदी हरकत दिखाता हूँ आपको रवि खुराना की, वो वहीं रखे। हाँ दोस्तों, मैं रवि खुराना की गंदी हरकत बता रहा था आपको। मैरिड मैन हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे तो हमें रुकना पड़ा था। ये बंदा मेरे लैपटॉप लेके पोर्न देख रहा है दोस्तों। अरे? दोस्तों नई वीडियो आ रही है, जब तक ये डलेगा तब तक बहुत पुरानी हो चुकी होगी। हाँ ये देखिए, ये एडिटिंग हो रही है, ये देख लो दोस्तों। हम मोनेटाइजेशन ऑफ करते हैं हम अपनी वीडियोज में। अरे ऑन है, ये ऐसे देख रहे हैं इस वीडियो में। प्ले कर दो हल्का सा। 5 मिनट बाद मेरे पापा आए स्कूटी पे। बस बंद कर दो ये, ना तो भाई मेरे चैनल पे कॉपीराइट मार देता है यार। तो बस यही बताना था दोस्तों। और ये इस चद्दर में छेद है दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग कहाँ कहाँ डाले जा रहे हैं। ऐश ट्रे में डाले ना, ऐश चद्दर पे कौन डालता है? दैट फेस। और दोस्तों ये चार्जर है, अगर आप इसको प्लग में लगा के ऑन करके वो वाली जो साइड है उस पर जीप छुएंगे तो करंट भी लगता है आपको। प्लीज गो अहेड। व्हाट द फक। दोस्तों आफ्टर बुकिंग अ वेरी सेक्सी प्रॉपर्टी इन द हार्ट ऑफ लुधियाना, नहीं पटियाला, पटियाला मैं भूल जाता हूँ बार बार दोस्तों, घबराना नहीं। तो आफ्टर बुकिंग बेहतरीन प्रॉपर्टी इन पटियाला,
वी हैव डिसाइडेड टू रेस्ट इनसाइड द प्रॉपर्टी एंड नॉट गो आउटसाइड। और प्रॉपर्टी ऐसा है, देखो दोस्तों मैं आपको लुधियाना के बारे में खास बात बताऊँगा। दोस्तों पटियाला मैंने पहले ही बोल दिया, मैं जो भी बोल रहा हूँ पटियाला के बारे में बोल रहा हूँ, ध्यान रखना ठीक है, मैं इसके बाद ठीक करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे कुछ 3-4 फेमस ढाबे हैं जो मैं अभी रवि खुराना को रस्ते में बता रहा था कि अगर आपने यहाँ का ये नहीं खाया तो पता नहीं क्या ही किया लाइफ में, तो हम नहीं खा पाएंगे। इमोशनल टाइम तो हमने क्या किया लाइफ में ये कमेंट में आप बताएं, क्योंकि हमने बड़ा सोचा बट नहीं समझ पाए। और मैं आपको एक सीक्रेट गंदी चीज़ दिखाता हूँ अभी, देखिए। दोस्तों तैयारी हो चुकी है, शो की तरफ हम चल दिए, कैब आ गई है, दिख नहीं रही है, आ गई है, लेकिन मानना है आपने मेरी बात, यकीन करें प्लीज़। तो रूम क्लीनिंग का हम बोल के जा रहे हैं उनको, तो वो करेंगे नहीं, बट हमारा तो फ़र्ज़ बनता है बोलना। पहले हमारा वेन्यू दोस्तों ये था, ये इतनी पास, अब उठा के बहुत दूर कर दिया उन्होंने वेन्यू, तो अब हमने वो देखना कहा। दोस्तों गुड मॉर्निंग इन द समर ऑफ द डे इन द कंट्री ऑफ द ईयर 2020। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। 2022, 2023, 2024 एंड फुल हाउस व्हाटएवर। बट हम दोस्तों पटियाला में आफ्टर अ वेरी टायरिंग येट अमेजिंग गुड फीलिंग ऑडियंस, वी मतलब गुड नाइस ऑडियंस के बाद ये पीछे आ रहे हैं ढूंस रवि खुराना जी, और हम चल दिए हैं अब चंडीगढ़ की ओर। रवि खुराना जी अपने दिल्ली वाले सोलो शो के लिए निकलेंगे दिल्ली, हम निकलेंगे चंडीगढ़। ये मछलियाँ कहीं नहीं निकल पाएंगी, इनको पैट कर लिया है यहाँ पे, एक तो वेल लग रही है दिखने में। तो चंडीगढ़ का जो शो है, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं ये आप बताएं कमेंट्स में, क्योंकि मुझे तो नहीं पता जब तक ये आएगा आप तब क्या कर पाएंगे। मेरी नई वीडियो आ चुकी होगी तब तक, तो आप मेरे वीडियो वाले चैनल पे जाएं, वहाँ पे शेयर करें उसको अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक मोहल्ले के ग्रुप पे, कहीं पे भी कर दें, जाके कर दें। हम ब्रेकफास्ट के लिए हंग्री एज़ फक हो गए हैं, तो अब आइए नेस्त तो नाबूद कर देना है ब्रेकफास्ट को, नेस्त तो नाबूद। दोस्तों बहुत ही क्लोज प्रसारण इस लाइव के अंदर, ताकि एडिटर को जूम करने का और मौका ही ना मिले। चंडीगढ़ होटल में वेरी लोनली फीलिंग बिकॉज गौरव माना जी जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तीन डिफरेंट शहर, तीन डिफरेंट ओपनिंग एक्ट और सेम टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एवरी सिटी। मैं आपको पूरा प्लान समझाना चाहूँगा। दोस्तों देहरादून हम गए देहरादून शताब्दी पे विद बादल शर्मा, और प्लान हमारा ये था कि पटियाला होटल एक्सप्लोर करेंगे, बट जितनी तेज़ नींद आई है पटियाला होटल में, मेरे ख्याल एट मैक्स मैं गद्दा एक्सप्लोर कर पाया हूँ उस होटल का, वो भी मेरी साइड वाला, बिकॉज आई वाज ऑल बाय माय सेल्फ, मतलब एज इन विद टू ह्यूमन, मतलब विद गाइस, मतलब विद अ गाय। व्हाई आर यू गे? बट खैर देहरादून शताब्दी से गए हम बादल शर्मा के साथ, उन्होंने शो ओपन किया, आप देखा होगा आपने इस ब्लॉग में शुरुआत में। और फिर हम देहरादून से वापसी आए बस से, जिसके आपने देखा होगा जो हमने धक्के धुक्के लगाए बस में, मैंने तो नहीं लगाए, मैंने सिर्फ मॉरल सपोर्ट छीना है, दिया भी नहीं। फिर हम दिल्ली पहुँचे, फिर हम घर गए, 2 घंटे सोए, उठे, नाश्ता किया, ट्रेन में बैठे, इस बार हमने ट्रेन ली जम्मू तवी, नहीं टाटा जाट हम सफ़र टाटा जाट, वाह बड़ा ट्रेन नेम, तो वो ली हमने। वो ट्रेन नांदेड़ से आ रही थी, जैसे वो कहते हैं ना कि ए जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है, ऐसे नांदेड़ एक जगह है, वहाँ से वो जम्मू तवी जा रही थी ट्रेन, तो जम्मू जा रही थी, जम्मू तवी क्या होता है। तो हम उस ट्रेन में रवि खुराना के साथ पटियाला पहुँचे, पटियाला हमने शो शो ख़त्म किया, बेहतरीन शो मैं कह रहा हूँ, दोनों दिन भगवान की दुआ से शो बहुत अच्छे, साउंड फकअप दोनों दिन पूरा बेहतर, इतना बहुत सही साउंड फकअप,
बट शो बहुत अच्छे हुए। आज चंडीगढ़ में शो है तो हम पटियाला से चंडीगढ़ आए वॉल्वो में। अब चंडीगढ़ का शो गौरव मानव ओपन करेंगे, जो इस टाइम अपने ससुराल रुके हुए हैं, जो मोहाली में पड़ता है। वो जैसे ही उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि एक गद्दा खाली है यहाँ पे, आप आएँ अपना ढूँढ टिकाएँ, तो कह रहे मैं चेक करता हूँ, वहाँ उनकी खातिर हो रही है, ससुर जी पेल रहे उनके। बट तो ये माहौल बना है। आप देखिए आज रात का शो कैसे जाता है। हम वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए एक बार, फिर होटल में वीडियो रिकॉर्डिंग। व्हाई आर यू गे? नहीं, हट। वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए एक बार तो फिर यूट्यूब पे वीडियोस डालेंगे आपके लिए, जो मैंने डाली वो देख लो। बैंच इतनी बार से कह रहा हूँ मैं। फिर कल सुबह की फिर से शताब्दी है दोस्तों, दिल्ली चले जाना है। दिल्ली में हमारा मंडे रात का शो है, फिर संडे वेंसडे थर्सडे फुल डे स्लीपिंग कंबल में घुस के विद समवन तकिया। ये मैंने आपको पूरा समक्ष में वो दे दिया, अपडेट दे दिया, ठीक है। भाइयों गेस करो ये कौन सी जगह है पंजाब में? दोस्तों हम इस वक्त गौरव माना जी के साथ हैं, जिनसे हम जैसे हमने वादा किया था चंडीगढ़ थर्ड डे थर्ड ओपन स्पॉट थर्ड सिटी। गौरव माना जी ने अभी अभी ताजी वीडियो रिकॉर्ड कराई है, बहुत ताजी है, गर्म है, एकदम फ्रिज में रखें खराब हो जाए, तत्ती तत्ती है। आइए गौरव माना जी, चाय हो जाए, क्या कहते हैं आप? चाय। और कैसा रहा चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस? मौसम बारिश, यहाँ तक बारिश है, आपको वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में कॉल बैक है इसका। यहाँ तक बारिश होती है पंजाब में, अगले तक।